शांति, नवरात्रों में जागरण, सत्य परमात्मा, किस सत्य से हम आत्माओं को जगाते हैं, कौन सा सत्य ज्ञान आकर देते हैं, वो आज परमपिता शिव परमात्मा ने, गीता ज्ञान दाता ने जो हमें समझाया है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं बीके डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा। आज का हमारा विषय है जगाएगा को। नवरात्रों में हम जागरण करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में जाना, और हमने ये भी जान लिया कि जागना आत्मा को है ना कि शरीर को। बीमार आत्मा है ना कि शरीर, दुखी आत्मा है ना कि शरीर, कहते हैं उसकी आत्मा को मत दुखा। दुख किसको होता है? आत्मा। सुख किसको होता है? आत्मा। सबसे पहले बीमार कौन होता है? आत्मा। आत्मा बीमार है तो शरीर बीमार है। आत्मा पवित्र है, आत्मा स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ है। बहुत अच्छी तरह से समझना। पहले मन बीमार होता है फिर तन बीमार होता है। मन आत्मा की एक सूक्ष्म शक्ति है। मन का काम है विचार करना, और बुद्धि जो है वो आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है। बुद्धि का काम है निर्णय करना। हम बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं, और ये शरीर जो है वे एक कंप्यूटर की तरह है। तो हार्ड डिस्क है ब्रेन, और आत्मा है उसका ऑपरेटर। देख रहे हैं, हार्ड डिस्क जो है वो ब्रेन है, और उसको चलाने वाला ऑपरेटर आत्मा है। बुद्धि आत्मा का काम है, शरीर का काम है बुद्धि से ब्रेन। तो मन, बुद्धि और संस्कार, मन का काम है विचार करना। जो भी इस शरीर से मैसेज आता है बुद्धि उसी के अनुसार फैसला करती है। तो ये मन में जो विचार आते हैं जो वो देखता है, जो वो सुनता है, जो वो इन कर्म इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करता है। मन का काम है निष्पक्ष रूप से बुद्धि तक पहुंचाना, और बुद्धि का काम है फैसला करना। हम सारा दिन फैसला करते रहते हैं, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, यहां जाना है, ये नहीं जाना है। तो हमारे संस्कार बनते हैं। इन संस्कारों के बनाने के निमित्त है जैसा हम संग करते हैं। हम अच्छी संगत में बैठते हैं, हमारे संस्कार अच्छे बनते हैं। हम गलत संगत में बैठते हैं, हमारे गंदे संस्कार बनते हैं। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग डुबोए। हम किसके संग में हैं? इस संसार में सबसे अच्छा संग किसका हो सकता है? किसका हो सकता है सबसे अच्छा संग? सिर्फ और सिर्फ एक परम पिता परम आत्मा। उस परमात्मा के सिवाय किसी का भी संग इतना अच्छा नहीं हो सकता। वो सर्वोच्च है, बुद्धिवानों की बुद्धि है, ज्ञानवानों का ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान का सागर है, सर्वोच्च सर्जन है। जब संसार में
हर तरफ से रास्ता बंद हो जाता है, तब सब स्वीकार करते हैं परम आत्मा है। तब परमात्मा के पास जाते हैं, तब कहते हैं उसके पास न्याय मिलेगा। यहां की कोर्ट में अन्याय हो सकता है, परंतु परमात्मा की कोर्ट में अन्याय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सभी स्वीकार करते हैं। तो परमात्मा को सारे पुकारते भी हैं कि हे भगवान आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। तो परम पिता परम आत्मा का परिचय कौन देगा, इसके लिए विस्तार से हमारा वीडियो देख सकते हैं कि परमात्मा का परिचय कौन देगा। संक्षिप्त में, परमात्मा का परिचय परमात्मा के सिवाय है और कोई नहीं दे सकता। कोई भी दुनिया का धर्म ग्रंथ, ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा, कोई भी परमात्मा का परिचय नहीं दे सकता। बाप का परिचय बच्चा नहीं दे सकता, परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं, परमात्मा स्वयं आकर के हम सबको जगाते हैं। इसलिए उसे खुदा कहा जाता है, खुद आने वाला। इसलिए गाया भी जाता है, खुद को जानो तो खुदा को जानो। परमात्मा एक, वो सारे संसार की आत्माओं का पिता, ये हम जान चुके हैं। अब परमात्मा की पहचान बहुत जरूरी चाहिए कि परमात्मा वो होगा जिसे सारे संसार के धर्म माने, जिसे एक माने, दूसरा ना माने, तो वो परमात्मा नहीं हो सकता। ऐसा कौन है जिसे सारे संसार के धर्म परमात्मा मानते हो? ऐसा कौन है? वेदों में परमात्मा के लिए शब्द है ओम, जिसका हिंदी में अर्थ है ज्योति। इसलिए मंदिर में जलाते हैं ज्योति, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, कोई भी धार्मिक काम करेंगे तो पहले जलाएंगे ज्योति। शाम होगी दिया जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, ट्यूब जलाएंगे, करेंगे नमस्कार। परमात्मा को ज्योति माना, इसलिए हर मंदिर में क्या जलाते हैं ज्योति। जागरण करेंगे तो क्या जलाएंगे ज्योति। सब जाकर उस ज्योति को नमस्कार करते हैं, फिर सब कहते हैं ज्योता वाली। क्यों कहते हैं ज्योता वाली? क्योंकि दुर्गा की उत्पत्ति ज्योति से हुई। जब वो निद्रा में सो हुए थे नारायण, उनकी कान की मेल से मधुर कैटर पैदा हुए, 5000 साल तक उनके साथ युद्ध करते रहे। जब नहीं जीत सके तो उन्होंने शंकर और ब्रह्मा को इनवाइट किया, तीनों ने मिलकर ज्योति से दुर्गा को उत्पन्न। इसलिए उसे कहा जाता है ज्योता वाली, क्योंकि ज्योति से उत्पन्न हुई है। दूसरा, उसे ज्योता वाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुर्गा दुर्गुणों से मुक्ति दिलाने वाली, शीतला शीतलता का गुण देने वाली, संतोषी संतुष्टता का गुण देने वाली, गुणों से पालना करने वाली, ये सब हमारी मां। एक होती है जन्म देने वाली माँ, एक गुणों को देने वाली, और उन गुणों से पालना करने वाली मां क्यों बनी? क्योंकि हम सब आत्माएं भी ज्योति, कहते हैं आत्मा भी ज्योति और परमात्मा भी ज्योति। तो ज्योतियों को
अपनी संतान बनाने वाली, पालना देने वाली, हमने उसे मां स्वीकार किया कि वो हमारी माँ है, हमें दुर्गुणों से दूर करेगी, हमें शीतलता का गुण देगी, हमारे अंदर संतुष्टता का गुण देगी, हमारे अंदर धैर्यता मधुरता का गुण देगी, हमें सिर्फ दिव्य गुणों से संपन्न बनाएगी। जब हम ऐसा सोचते हैं तब परमपिता परमात्मा या ज्योति से उत्पन्न माँ हमारी माँ, वो हमारी माँ है, ज्योतियों की माँ। बच्चे के कारण भी माँ का नाम होता है ना, फलाने की माँ। हम सब ज्योतियों की माँ है, इसलिए उसे कहा जाता है ज्योता वाली। ऐसे नहीं कहा जाता, हमने कभी माँ से स्वीकार किया या हमने देखना है? वो हमारी माँ है तो कैसे है या हमको देखना है? तब तो जागेंगे, यही जागना है। क्योंकि वो हमें दिव्य गुणों से पालना करने के निमित्त बनती है, हमें आसुरी दुनिया से मुक्ति दिलाती है। परंतु किससे मुक्ति चाहिए? मुक्ति चाहिए शरीर को या आत्मा को? ज्ञान चाहिए शरीर को या आत्मा को? तो सीधा सा प्रश्न उठेगा, आत्मा को चाहिए। संतुष्टता किसको चाहिए? आत्मा को। धैर्यता किसको चाहिए? आत्मा को। मधुरता किसको चाहिए? आत्मा को। शांति किसको चाहिए? आत्मा को। शरीर की शांति तो शमशान है, आत्मा के बिना शरीर के अंदर कितने कोई मधुरता नहीं हो सकती, धैर्यता नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकती। आत्मा को ज्ञान चाहिए तो आत्मा को ज्ञान देने वाला है ज्योति स्वरूप परम आत्मा, जिसे कहा जाता है आत्मा भी ज्योति और परमात्मा भी ज्योति। जैन मंदिर में जाएंगे वहां भी ज्योति, बौद्ध मंदिर में जाएंगे वहां भी ज्योति, कभी गुरुद्वारे में जाएंगे, कुछ गुरुद्वारों में तो ज्योति जला रखते हैं परंतु कुछ नहीं मानते। परंतु वो कहते क्या हैं? एक ओंकार सतना। एक ओंकार को संधि विच्छेद करेंगे तो तीन अक्षर है, एक ओम आकार। परमात्मा जो है वो एक ओम आकार का है, तो एक ओंकार कुछ अलग नहीं है, वो एक उसी परमात्मा का यादगार है। आप यदि चर्च में जाएंगे तो कहेंगे गॉड इज लाइट, गॉड इज लाइट, वो चर्च में कैंडल लाइट नहीं, कुछ अलग है क्या? नहीं, एक ही बात, सभी एक ही बात स्वीकार कर रहे हैं। और आप यदि मस्जिद में जाएंगे, कुरान कहती है खुदा एक नूर है, अल्लाह एक नूर है, नूर कहो, लाइट कहो, एक ओंकार कहो, ओम कहो, ज्योति कहो, बात तो एक है। सारे संसार ने एक ही परमात्मा को स्वीकार किया है, वो परमात्मा ही सारे संसार को तमसो मां ज्योतिर्गमी करने वाला है। वो एक ज्योति ही सारे संसार की ज्योतियां जगाती है। तो आज हमें स्पष्ट हुआ, जागरण कराने वाला केवल और केवल एक परम आत्मा है, और जागरण होना है आत्मा का। सत्य ज्ञान जब मिलता है तो आत्मा का जागरण होता है।
सत्य ज्ञान जब मिलता है तो सुख मिलता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे गॉड इज ट्रुथ, क्या ट्रुथ बताते हैं। आपने जो सुना है उसमें आपको अधिक जानकारी लेनी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 9213106986 पर, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं और आने वाले वीडियोस भी देख सकेंगे और विश्व के 137 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर विस्तार से जान सकते हैं। ओम शांति। अब तक आपने जो सुना है उसमें आपको अधिक जानकारी लेनी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 9213106986 पर, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं और आने वाले वीडियोस भी देख सकेंगे और विश्व के 137 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर विस्तार से जान सकते हैं। ओम शांति।